वेलकम फ्रेंड्स, कुकीज एक चाय और कॉफी के साथ बेस्ट कंपेनियन है। तो आज की ट्रेल में बनाते हैं एक हेल्दी कुकीज जो बनेगा हनी ओट से विथ क्विक बेकिंग इन माइक्रोवेव। वेलकम टू कुकिंग ट्रेल्स। ये रेसिपी में हम यूज करेंगे 1 कप ओट, 1/4 कप बटर और 1/4 कप हनी, और बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर। सबसे पहले बटर को हम एक बॉल में लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हनी। हनी और बटर को हम अच्छे से कंबाइन करेंगे, विस्कर का यूज करके उसे कंबाइन करें। ओवरऑल शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये कुकीज में हम शुगर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ओट एंड फ्लावर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, इसमें हमें ऐड करना है लाइम जेस्ट, तो एक नींबू लेके उसका जेस्ट इसमें ऐड करें, जिससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और बेकिंग पाउडर की जो स्मेल होती है वो आपकी कुकीज में नहीं आएगी। लाइम जेस्ट ऐड करके सबको मिक्स करें। अब इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ और एक डिवीजन में हम ऐड करेंगे चोको चिप्स, और इसको माइक्रोवेव प्रूफ प्लेट में कूप आउट कर लेंगे। सेकेंड कुकीज में आलमंड बना रहा हूँ, तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको स्कूप आउट करके उसके ऊपर हम चॉप्ड आलमंड रख दें। इस कुकीज को हम वेरी क्विक माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो माइक्रोवेव को हम लोएस्ट पावर पे रखना है, 10 मिनट्स के लिए हम माइक्रोवेव में रखेंगे। ऑल माइक्रोवेव्स आर वर्किंग डिफरेंटली, तो आप बीच में चेक करते रहिए, और 10 मिनट के बाद थोड़ा पावर इंक्रीज करके उसको 4 मिनट और चलाएंगे फॉर क्रिस्पीनेस। So, ये फाइनल रस्टिक हेल्दी और क्रिस्पी कुकीज आर रेडी। इसको क्विकली बनाइए और इंजॉय करें अपनी चाय या कॉफी के साथ। If you like this recipe, like, share and subscribe. And for more recipe update, press the bell icon.